ये कैदे बामशक्कत जो तूने की अता है, मंजूर है मुझे पर क्या ये मेरे वोट की सजा है? जुर्म और अपराध से घिरा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां बार बार लालच देकर जनता से उनके वोट को छीना गया। बदहाली और हिटलर शाही से त्रस्त जनता सत्ता पलट करने को आतुर है। गरीबी और बेरोजगारी से घिरा ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र विकास के लिए सदैव राजनेताओं से मात खाया है। हमारे यहाँ का विधायक बाहुबली के नाम से जाना जाता है, इसलिए कि वो हमेशा हमारे पूरे विधानसभा को हर तरह से लूटने का काम किया है, चाहे बालू का खनन हो, चाहे जितने सड़क के निर्माण हुए इस गवर्नमेंट में उसका जो है निर्माण के मामले में, या किसी भी तरह का जातियों को लड़ा लड़ा करके हर तरह से वो इतना आतंकित किया है लोगों को कि हर व्यक्ति के अंदर एक भय हो जाता है कि अगर हम उसके विपक्ष में कुछ बोलते हैं तो सकता है हमारे ऊपर कोई FIR किस तरह का धमकी मिल जाए। इसलिए हमेशा जो है यहाँ की जनता एक भय जैसा माहौल हो गया है और आतंक का पर्याय बन गया है। यहाँ की जनता को लालच देकर हमेशा ठगा गया, कभी धन देकर तो कभी हैंडपंप सोलर लाइट देकर जनता का दोहन किया गया। चुनाव के समयों में यहाँ के जनप्रतिनिधि जनता के हित में कार्य करना शुरू करते हैं, बाकी दिनों में लूट खसोट में लिप्त रहते हैं। माफिया, गुंडागर्दी, बालू खनन जैसे मसलों में यहाँ के जनप्रतिनिधि संलिप्त हैं। पिछले 15 वर्षों में ज्ञानपुर की आवाम विकास के लिए तरस रही है। यहाँ रोटी, कपड़ा और मकान जैसे बुनियादी विषय पर कहीं भी जमीनी स्तर पर कार्य नहीं दिखाई देता। शिक्षा, बिजली, सड़क और पानी जैसी मूलभूत चीजों के लिए यहाँ की जनता तरस रही है। ना तो पानी का सुविधा हुआ है, ना तो कोई लाइट का सुविधा हुआ है, और जो यहाँ प्रधान लोग को सोलार मिला है वो लोग अपने अपने घर में 10-10, 20-20 रखे हैं, किसी बाजार में लगे हैं, देखो आप लोग खुद देख लो, और देखने के लिए आए वो भी देख लो, और आज तक एक भी नहीं मिला है, गांव वालों को भी नहीं मिला है, और गांव में मोदी सरकार का टॉयलेट बना रही है वो भी एक को भी नहीं मिला है, सूखा माफ हुआ है को भी नहीं हुआ है। लोगों के पास मकान तो है पर बिजली नहीं, मोटर तो है पर पानी नहीं, इसे कहते हैं विकास? हाय रे यहाँ के राजनेता, भोली जनता को केवल लूटा और उनसे वोट बैंक की राजनीति की। अब यहाँ की जनता अपने मत का उपयोग समझ गई है। आने वाले चुनावों में अपने मत से बसपा के बेखौफ उम्मीदवार राजेश यादव को ज्ञानपुर विधानसभा का किला फतेह कराकर विधानसभा क्षेत्र में विकास, सुख एवं शांति की लहर लाना चाहती है। ज्ञानपुर की भौगोलिक स्थिति का महत्व समझते हुए विधानसभा में मुख्यालय, RTO, कचहरी, तहसील और कई प्रशासनिक इमारतें बनाई गई हैं। एक ओर ज्ञान सरोवर तो दूसरी ओर हरिहर नाथ मंदिर ज्ञानपुर की शोभा बढ़ाते हैं। ज्ञानपुर क्षेत्र में धार्मिक आस्था का केंद्र एवं पर्यटन स्थल सीतामढ़ी भी स्थित है, जो दुनिया भर में अपनी एक अलग ख्याति बनाता है। पर अफसोस, पर्यटकों को आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे सोलर लाइट बोले थे देने को, सोलर लाइट आया तो लेकिन जो था सोलर लाइट सब बड़े बड़े घरों में बट गया, छोटे घरों में किसी के यहाँ नहीं लगा। जो यहाँ की पानी की व्यवस्था है वो पानी की व्यवस्था भी नहीं है, और देखिए यहाँ पर यात्री साउथ के सबसे ज़्यादा आते हैं, साउथ के और वेस्ट बंगाल के, जो कि यहाँ पर रात को रहने के लिए आते हैं, लेकिन कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, ना लाइट की व्यवस्था है, रात को रुकने की व्यवस्था नहीं है उनके पास, वो अपना गाड़ी में ही सोते हैं, गाड़ी में ही गुजारा करते हैं, ना तो एक धर्मशाला की व्यवस्था, कुछ भी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो रोड और पानी,
पानी की जो सबसे बड़ी कमी है यहाँ पे, हैंडपम्प आता है विधायकी से, प्रधानी से आता है, वो सब बड़े बड़े घरों में 10,000-5,000 रुपए दे करके अपने अपने घरों में लगवा लेते हैं। यहाँ पे मंदिर के डिपार्टमेंट से कोई भी नल नहीं है यहाँ पे, और गंदगी के नाम पे तो एकदम गंदगी है। इस दौर में उसी को सब सिरफिरा कहेंगे, इस दौर में उसी को सब सिरफिरा कहेंगे जो आंधियों में दीपक थामे हुए खड़ा है। आभास हो रहा है हल्की सी रोशनी का, उम्मीद का सितारा धुंधला कहीं उगा है। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए अपनी हर एक सुख सुविधा का त्याग कर दुख सुख में सम्मिलित होने वाले समाज सेवी राजेश यादव चुनाव स्वर्गीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सोच और बहन जी के आशीर्वाद से लड़ने जा रहे हैं। कुशल नेतृत्व की क्षमता व दृढ़ संकल्प के धनी राजेश यादव का जन्म सीतामढ़ी से 6 किलोमीटर दूर दुगुना गांव में हुआ। राजेश यादव ने अपनी प्राथमिक शिक्षा दुगुना गांव के प्राइमरी विद्यालय से की। पुनः शिक्षा के क्रम को बढ़ाते हुए उन्होंने जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से परा स्नातक की डिग्री प्राप्त की और विदेश में रहकर कई कंपनियों में बड़े पदों पर कार्यरत रहे। ज्ञानपुर विधानसभा की हालत देख राजेश यादव अपनी संपूर्ण सुख सुविधा को छोड़कर विदेश से लौट आए और तन मन धन के साथ जनता की सेवा में लग गए। बसपा से जिला पंचायत सदस्य सीतामढ़ी पन राजेश यादव ने राजनीतिक सफर शुरू किया, साथ ही वर्ष 2013 में बसपा से लोकसभा चुनाव प्रभारी बने एवं 2014-2016 में बाम सेफ के जिला संयोजक पद पर कार्यरत रहे। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की प्रेरणा के साथ राजेश यादव पिछले 26 वर्षों से खून पसीना कर पार्टी से जुड़े हुए हैं। इनका ज्ञानपुर विधानसभा की जनता के प्रति समर्पण भाव देखकर बहन जी ने इन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। जहां महिलाएं भय के कारण घर की दहलीज लांघने में कांप उठती हैं, वहीं राजेश यादव की धर्मपत्नी श्रीमती मोनिका यादव कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। एक महिला होने के नाते श्रीमती मोनिका यादव ने ज्ञानपुर की जनता का दर्द समझा है और अब समस्याओं का निदान करने हेतु अपने पति श्री राजेश यादव के समर्थन में प्रचार प्रसार एवं जनसभाएं कर रही हैं। राजेश यादव आपको विश्वास दिलाते हैं कि ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था दुरुस्त कर गुंडागर्दी बालू खनन जैसे मामलों में नकेल कसी जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष नजर रखी जाएगी। हमेशा शिक्षा के क्षेत्र में अनदेखी करने वाले राजनेताओं ने काशी नरेश राजकीय महाविद्यालय का उपहास बनाया, विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का केवल वादा किया, आज तक दर्जा नहीं प्राप्त हुआ। सरकार में आने पर विश्वविद्यालय बनाने की बात उठाई जाएगी। केएनपीजी जो यहाँ का राजकीय कॉलेज है केएनपीजी, उसको बहुत सालों से नेता लोग जहाँ यहाँ के जितने भी राजनेता हैं विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने के नाम पर वोट तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु फिर 5 साल तक पूरी तरह से उसको उपेक्षित कर देते हैं। अगर यहाँ की जनता ने हमको विधायक चुनकर भेजा और हमारी सरकार मिली तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि यहाँ इस केएनपीजी कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने का काम किया जाए। खस्ता हाल में पड़े भवन का निर्माण कार्य कराया जाएगा, निर्माणाधीन जिला अस्पताल का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाएगा, शिक्षा रोजगार सड़क बिजली और पानी से जुड़ी हर एक योजनाओं से जनता को लाभान्वित कराया जाएगा। रोजगार की समस्या यहाँ बहुत, हमारे तमाम अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी रहते हैं,
और सर्व समाज के लोग हैं, यहाँ से पलायन करके उनको मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर तमाम बाहर प्रदेशों में जाना पड़ता है, रोजगार की कमी है। अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ छोटे छोटे रोजगार स्थापित करेंगे और बुनकरों के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। सफाई कर्मियों की स्थिति यह है कि 5 सालों में लगातार वो लोग प्रयास कर रहे हैं और वो उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, राजनीति के शिकार हो गए हैं। अगर हमारी सरकार बनी और हमें जनता ने विधायक बनाकर भेजा तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उन सफाई कर्मियों की नियुक्ति हो। रामपुर गंगा घाट से मिर्जापुर को जोड़ने के लिए पुल, जिससे आवाजाही में जनता को आसानी हो सके, इस पर भी आवाज उठाई जाएगी। सरकारी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाने का कार्य एजेंडे में शामिल है। ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता गुंडा राज, बदहाली, शासन के कार्यों में कमीशनखोरी एवं लचर शिक्षा और दम तोड़ रही चिकित्सा व्यवस्था से मुक्ति पाना चाहती है। इसको सुधारना ही श्री राजेश यादव जी का दृढ़ संकल्प है। तो भाइयों, बहनों और दोस्तों, विधानसभा चुनाव 2017 में हाथी का बटन दबाकर श्री राजेश यादव को विजयी बनाए और ज्ञानपुर विधानसभा को विकास के पथ पर ले चलें। यहाँ की सम्मानित विधानसभा की जनतागण से विशेष निवेदन है कि आप लोग हमको यहाँ से चुनकर माफिया राज, गुंडा राज, जंगल राज को समाप्त कर एक अच्छे छवि के व्यक्ति को चुनकर यहाँ से भेजें और सर्व समाज की लड़ाई लड़ने में हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। जय भीम, जय भारत।